सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल मास्टरमाइंड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल मास्टरमाइंड चैनल में। इस वीडियो में आपको बताना है 3 मोबाइल की बहुत ही खतरनाक सेटिंग्स के बारे में। आज आपने सही सुना, अगर आप ये सेटिंग्स के बारे में जान लेते हो तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अपने डे टू डे लाइफ में। तो ये वीडियो का एंड तक देखिए। आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपकी हेल्प और सपोर्ट की हमें बहुत बहुत ज़रूरत है। तो इस वीडियो में आपको बताना है 3 खतरनाक सेटिंग्स के बारे में जिसे आप नहीं जानते हो। सबसे पहले मैं आपको एक सेटिंग्स के बारे में बता दूँ। जैसे कि आप जानते हो आप क्रोम ब्राउज़र तो यूज़ करते हो, बहुत सारे जन क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, मगर नहीं जानते। यहाँ पे आपको एक बता दूँ, यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जो प्राइवेसी आती है, तो अगर ये प्राइवेसी में क्या है मैं आपको बता दूँ। आपका फ़ोन जो इन्फॉर्मेशन आप सर्व करते हो या फिर कुछ भी डाउनलोड करते हो या फिर कुछ भी सर्च करते हो अपने क्रोम ब्राउज़र में, तो आपकी जो डिटेल्स है वो ट्रैक हो रही है। जब ऐसे ही गूगल आपकी डिटेल्स और जो भी जानकारी आप मोबाइल में सर्च कर रहे हो या फिर आपके मोबाइल में, वो सब जानकारी उनको मालूम पड़ सकती है या फिर वो चेक करते हैं आपकी प्राइवेसी के बारे में। तो आप कैसे ट्रैक करना ऑफ कर सकते हो उसके लिए मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद प्राइवेसी में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डू नॉट ट्रैक। इससे क्या आपका जो मोबाइल है जो ट्रैक हो रहा है आपका मोबाइल गूगल की तरफ से, क्रोम ब्राउजर में आप कुछ भी सर्च करते हो तो ट्रैक होता है आपकी इन्फॉर्मेशन, क्या आप सर्च करते हो, क्या आप डाउनलोड करते हो, उसे ऑफ करने के लिए उनको नहीं मालूम पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे आपको ऑन कर देना है। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे ऑन कर देना है। तो सेकंड ट्रिक के बारे में आपको बताना होगा, सेकंड ट्रिक भी आपको मैं बता देता हूँ। सेकंड ट्रिक जो आप हम बताने वाले सेटिंग्स के बारे में, जो कि आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जैसे कि आप जानते हो, मैं फिलहाल के लिए आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये मोबाइल को ऑफ किया, फिर मैंने इसे ऑन किया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है इसके लिए यहाँ पे आपको बता रहा है, मगर आपको यहाँ पे डिटेल्स और भी आ जाती है। जैसे कि अगर कोई व्हाट्सअप का मैसेज आता है यहाँ पे शो होता है, या फिर कोई भी मैसेज आता है आपको कोई भी मैसेंजर का या फिर अपने मोबाइल का, यहाँ पे आपको शो होता है। उसे आप कैसे हाइड कर सकते हो और बिना यहाँ पे शो किए हाइड कर सकती हो, तो उसके लिए आपको सिंपली अपने सेटिंग्स में आना है। जैसे कि आप जानते हो कोई भी आपका मोबाइल ऑन करता है बिना अनलॉक किए तो भी वो देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ लेता है मैसेज के क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। उसे आपको छुपाने के लिए यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सर्च करना है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सेटिंग का लोगो जो कि यहाँ पे क्लिक करना है। सेटिंग पे लोगो पे क्लिक करने के बाद ऑन द लिंक यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन ऑन द लॉक स्क्रीन, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हाई सेंसिटिविटी नोटिफिकेशन कंटेंट। यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन रहेगी अपने स्क्रीन के ऊपर वो हाइड कर देगा, जो कोई सीरियस सेंसिटिव नोटिफिकेशन रहेगी तो वो हाइड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जो थर्ड सेटिंग क्या पिकअप मैं बताने वाला हूँ उसके लिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, वो आप क्रोम की ही है। जैसे कि आप जानते हो क्रोम ब्राउज़र बहुत ही जन यूज़ करते हैं, बहुत ही पॉपुलर है, तो उसके बारे में एक सेटिंग्स आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारी एड्स आती है अपने मोबाइल में। अगर आप क्रोम ब्राउज़र से कोई भी ओपन करते हो, कुछ भी वेबसाइट्स ओपन करते हो, तो कई बार क्या पॉपअप न्यू टैब खुल जाता है और आपको ऐड आती है, या फिर कुछ भी एड्स आती है आपके बीच बीच में पॉपअप करके फुल स्क्रीन ऐड आती है, उसे आप कैसे ऑफ कर सकते हो उसके लिए मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है क्रोम के ब्राउज़र की। यहाँ पे आपको जाने के बाद यहाँ पे आप साइट सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉपअप्स, यहाँ पे आपको पॉपअप्स रहेगा उसे आपको यहाँ पे ऑन कर देना है, जिसे आप यहाँ पे ब्लॉक कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने फिलहाल पहले से ब्लॉक किया है, इसके लिए यहाँ पे मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉक साइट्स फ्रॉम शोइंग पॉपअप्स रेकमेंड, तो यहाँ पे आपको ये ब्लॉक कर देना है पॉपअप्स, जो कि आपको एड्स नहीं आएगी। तो ये थी 3 खतरनाक सेटिंग्स जो कि आपके मोबाइल में आपको पता होनी चाहिए। तो आज की डेट में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपकी हेल्प और सपोर्ट की हमें बहुत बहुत ज़रूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम।